अनुराग कश्यप के ऊपर एक अभिनेत्री हैं पायल घोष, उन्होंने बड़े ही ग्राफिक होके पूरा डिटेल देते हुए बताया कि किस तरह से उसने अपने आप को फोर्स करने की कोशिश की, अपना जिप खोला और बाकी बात बताना आवश्यक नहीं है। उस जिप खोलने के बाद लोग क्या करते हैं आप लोगों को पता ही है। और हम नहीं जानते कि पायल घोष झूठ बोल रही थी कि अनुराग कश्यप जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है या तापसी पन्नू झूठ बोल रही है, जो भी है वी डोंट नो दैट। लेकिन मी टू मूवमेंट जो चला था, जिसकी बहुत बड़ी पक्षधर रही थी तापसी पन्नू, और वो जाके लिख रही थी, उनके ट्वीट भी हैं पुराने, कि कैसे ये मूवमेंट जो है कभी आंदोलन जो है कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, सफल नहीं होगा, क्योंकि आवाज़ों को दबाया जाता है। और टिपिकली वही किया जा रहा है, चूंकि पायल घोष ने कहा है और उनके मित्र के ऊपर जो उनकी गोद में कई बार बैठे हुए पाए गए हैं, गोद में मित्रता में लोग बैठते हैं, बैठते होंगे, मतलब मैं तो नहीं बैठता, तो उनके ऊपर आरोप जब लगाया गया तो वो उसको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि उससे बड़ा फेमिनिस्ट उन्होंने देखा ही नहीं। जाहिर सी बात है, कोई वामपंथी है और उस तरह के विचार रखता है तो फेमिनिस्ट तो वही होगा, हम आप तो हो ही नहीं सकते। और अनुराग कश्यप ने जो यही मी टू मूवमेंट जब आया था तो अशेम्ड लिख के अपना काला धब्बा जो है प्रोफाइल पिक्चर बनाया था, उसने ये नहीं लिखा कि ठीक है अगर मेरे ऊपर आरोप लगे हैं तो मैं इंतज़ार करूंगा कि वो पुलिस में जाए, कोर्ट में जाए, और वहाँ की मैं एक लड़ाई लड़ूंगा और उसके बाद जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा। नहीं, अनुराग कश्यप ने वही किया जो हर कामभक्त काम पिपासु वामी लंपट गिरोह का हर सदस्य करता है। वो किसी का रेप कर देगा, किसी को लगातार मोलेस्ट करता रहेगा, किसी की हत्या करवाने में सहयोगी रहा होगा, हिंसा कहीं करवा रहा हो, कहीं दंगा करवा रहा होगा, और जब उसके ऊपर कोई आरोप लगता है या पुलिस उसको उठा के ले जाती है या जांच कमेटी बैठती है या फिर FIR होती है, तो वो कहने लगता है नहीं, मुझे चुप कराने की ये साजिश हो रही है और मैं इसे चुप नहीं बैठने वाला। भाई, तुम्हें कोई चुप नहीं कराना चाह रहा है, तुम्हारे बोलने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है।